आज ही होगा दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देर रात दिया निर्देश, दोपहर 1 बजे कराने का आदेश। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना, पूछा क्या आफत आई जो रात में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के आदेश दिए। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा दिल्ली महापौर ने लोकतंत्र की हत्या की, हमारे ऊपर लगाया जा रहा है आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा कि चुनाव से भाग रही है आम आदमी पार्टी, नहीं चाहती दिल्ली का हो विकास। दिल्ली का विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज, सीएम आतिशी सत्र को कर सकती हैं संबोधित। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान पर सुक्कू सरकार का बयान, स्ट्रीट वेंडर्स के नाम लिखने के आदेश को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं, कैबिनेट में मंथन के बाद होगा फैसला। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर जयराम ठाकुर का सुक्कू सरकार पर हमला, कहा मंशा जाहिर है योगी जी की पॉलिसी अच्छी, विक्रमादित्य को अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच आज दिल्ली आ सकते हैं विक्रमादित्य, कांग्रेस आलाकमान से होगी मुलाकात। यूपी में होटल ढाबों में नाम लिखने के आदेश को लेकर एक्शन में अयोध्या प्रशासन, इसे लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, दुकानों पर नेम प्लेट के लिए 7 दिन की मोहलत। यूपी में होटल ढाबों के नाम लिखने के आदेश के बाद एक्शन में यूपी सरकार, लखनऊ में फूड डिपार्टमेंट आज करेगा एक्शन, जहां हुआ आदेश का उल्लंघन वहां नोटिस जारी करेगा प्रशासन। यूपी सरकार के आदेश के बाद रायबरेली में होटल ढाबों में नाम लिखने का काम शुरू, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर का बयान, कहा त्योहारों को देखते हुए मिलावट और साफ सफाई को लेकर अभियान जारी। शिमला की संजौली में अवैध निर्माण के खिलाफ आज निकलेगा सद्भावना मार्च, 28 को हिंदू संगठन करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार के फैसले पर बीजेपी का पलटवार, बोले शहजाद पूनावाला, कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है, ये बात अब साबित हो गई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। गृहमंत्री अमित शाह का हरियाणा का दौरा, आज रेवाड़ी अंबाला और कुरुक्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर के चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कठुआ के बिलावर में करेंगे रैली। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव आज, एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर। और बात बहराइच की करते हैं, जहां भेड़िए के आतंक के बाद अब तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। तेंदुए ने किसान पर हमला किया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। बहराइच में ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, यहां आदमखोर भेड़िए का आतंक अब भी बना हुआ है, तो तेंदुए ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है। ताजा मामला बहराइच के मूर्तिहा इलाके की है, जहां खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान की चीख सुनकर परिजनों ने उसकी जान बचाई। खेत में गए थे सब्जी काटने, और खेत के बगल में हल्दी का खेत था, हल्दी में था, मतलब उससे खड़े रहे, खड़े पर वार करी गर्दन पे। गंभीर रूप से जख्मी किसान को CHC पहुंचाया गया, हालत गंभीर होने की वजह से किसान को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इसका प्राथमिक उपचार सारा कर दिया गया है, सर्जन कन्फर्म कर दिया गया है, पेशेंट की स्थिति अभी कंट्रोल में है और बाकी सर्जन अभी आकर के देखेंगे उसको। तेंदुए के हमले बढ़ गए हैं, जिससे न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ गई, बल्कि लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है और वहीं हथियार भी बरामद किए गए। देखिए रिपोर्ट। पुलिस के कंधों के सहारे चलता और जिंदगी की भीख मांगता शातिर गौकश, तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां बीती रात पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई, गोली लगने से समरेज गंभीर रूप से घायल हो गया। पूछताछ का मालूम चला है कि वो समरेज सनोप शरीफ, जो प्रयावली नगला का रहने वाला है, जुलाई में गौकशी में बांछित चल रहा था और पुलिस मुठभेड़ में भी बांछित चल रहा, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बीती रात जाल बिछाया, सूचना के आधार पर 4 गौकश पुलिस को जाते भी दिखाई दिए। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी,
पुलिस के जवाबी फायरिंग में गौकश समरेज गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पकड़े जाने के बाद गौकश जिंदगी भर अपराध ना करने की कसम खाता दिखा। इस पकड़े गए गौकश से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक के साथ गौकशी का सामान बरामद किया। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां एक सड़क पर आरपीएफ की सिपाही और एक आम महिला के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। पूरी खबर एक मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बीच सड़क पर आरपीएफ की महिला सिपाही और एक महिला के बीच मारपीट की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। दोनों महिलाओं के बीच मारपीट में कुछ लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करने आए, दोनों को छुड़ाकर पुलिस को बुलाया। मामला सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां आरपीएफ महिला कर्मी ड्यूटी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक महिला से उसकी कहा सुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट होता देख भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने दोनों को शांत कराया और पुलिस को जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लिया। अभियुक्ता महिला है, उससे पूछताछ में ये पता चला है कि थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है वो, और अपना नाम ही बता पा रही है कहाँ से है, और अभी के लिए उनको रिमांड लेकर जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खाना खाते समय रेलवे स्टेशन पर कहा सुनी हुई थी। और यूपी के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहाँ छात्र ने मौलाना पर हमला किया है। बीड़ी पीने से मना करने पर गर्दन पर दराती से हमला कर दिया है। लहूलुहान मौलाना इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्र को कस्टडी में ले लिया है। लेकिन ये वारदात सामने आई है गाजियाबाद से, जहां छात्र को बीड़ी पीने से मना करने पर गर्दन पर दराती से हमला कर दिया, और इसके बाद लहूलुहान मौलाना इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। तो पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद के मदरसे में छात्र ने मौलाना की गर्दन पर आरी चला दी और मौलाना ने उसको बीड़ी पीने से सिर्फ मना किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिग को कस्टडी में ले लिया है और घायल मौलाना का इलाज जारी है। इजराइल का लेबनान पर नया हवाई हमला। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के इलाकों में को बनाया निशाना। अब तक के हमलों में 1500 की मौत, 5000 लोग घायल। हिजबुल्ला पर इजराइल का हमला जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा कि हिजबुल्ला की यूएवी इकाई के प्रमुख कमांडर की मौत। लेबनान पर इजराइल का हमला। उत्तरी कमान की सेना ने लड़ाकू विमानों पर दागी मिसाइलें। हिजबुल्ला के लगभग 220 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच वार पलटवार का दौर तेज। हिजबुल्ला ने जारी किया हमले का नया वीडियो। मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से बना रहा है निशाना। इसराइल पर हुतियों का हमला। तेल अवीव की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, या ड्रोन सिस्टम से हमले को नाकाम किया गया। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा प्रमुखों ने उठाई शांति की मांग। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम को दोहराया। इजराइल से गाजा आए 88 फिलिस्तीनियों के शव सामूहिक कब्र में दफनाए गए। खान यूनिस के कब्रिस्तान में बुलडोजर से खोदी गई कब्र। शवों को प्लास्टिक बैग में लपेट कर किया गया दफन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी समर्थन को बढ़ाने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने किया पोस्ट, मैंने उनके सामने जीत का प्लान रखा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में पुलिस स्टेशन में भीषण विस्फोट, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। बांग्लादेश अमेरिका संबंधों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अमेरिका ने समर्थन दिया। मैक्सिको में तूफान हेलेन का कहर, तेज हवाओं से कई घर टूटे। बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल, लगभग 70 उड़ानें रद्द हुई। मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आपत्ति जताई। आतंकवाद के खिलाफ आईबीएसए देशों ने उठाई आवाज। आतंकी संगठन अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश और इनके प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान।
अमेरिका के फ्लोरिडा तूफान हेलेन का कहर, भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, आने वाले समय में और भी तबाही मचा सकता है तूफान। सूडान के लोगों पर दोहरी मार, गृह युद्ध के बीच हैजा फैलने से सैकड़ों लोगों की मौत, सूडान का स्वास्थ्य मंत्रालय राहत बचाव में जुटा।